स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इसकी क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या डिमेरिट्स हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है, बट माइंड में रखना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट की उस वैल्यू पर लगता है जिसमें पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता है, यानी आज की डेट में ये बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू मतलब एसेट की कॉस्ट माइनस जितने साल तक आपने उस एसेट को यूज किया उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दैट इज बुक वैल्यू। मैं आपको लिख के बता देता हूं स्टूडेंट्स, एक वर्ड बार बार यूज होगा, बुक वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन इस मेथड में फर्स्ट ईयर पे तो लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, उसके बाद हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी बुक वैल्यू वो वैल्यू जो बुक में लिखी हुई है। और बुक में कौन सी वैल्यू लिखी होगी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इसको, यानी जिस कॉस्ट पे हमने उस एसेट को परचेज किया था उसमें से जिस दिन आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तब तक का, यानी उसने सालों का पिछले सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। मान लो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फोर्थ ईयर का, चौथे साल में, तो पिछले तीन साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जिसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन क्या वैल्यू आती है, बुक वैल्यू। और बुक में यही वैल्यू तो लिखी होती है। याद कीजिए, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लिखते हैं मशीन की वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन, वो जो नेट वैल्यू आती है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, उसे ही बुक वैल्यू बोलते हैं। तो अब देखिएगा इसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, इजी कैलकुलेशन, यानी इस मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। ओरिजिनल कॉस्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, जिस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें उससे पहले सालों के डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होंगे, यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा ऑलरेडी, बुक वैल्यू, बस उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देना है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो है ना इजी कैलकुलेट करना डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश करें आप, देखिए समझिए स्टूडेंट्स, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम ये डीमेरिट थी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की, लेकिन इसकी मेरिट कैसे हो गई, क्योंकि इसमें मतलब समझिए आप, जो हमने मशीन परचेज की है उस मशीन से हर साल हमें बेनिफिट मिलते रहेंगे, बेनिफिट कांस्टेंट रहेंगे या थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, याद रखिए, यानी मशीन का जो हम फायदा उठाएंगे, मशीन से जो प्रोडक्शन होगा, सेल होगी, मशीन से होने वाले बेनिफिट या तो सेम रहते हैं या थोड़े कम हो जाते हैं। और इस केस में उस मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भी तो कम हो रहा है और साथ में बढ़ रहा है रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा। यानी एक बात मान के चलिए कि मशीन की एफिशिएंसी के रेलिवेंट ही रहते हैं मशीन पे होने वाले एक्सपेंसेस, और उस एक्सपेंसेस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की तरह ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन उतना ही है प्लस उसमें रिपेयर मेंटेनेंस और ऐड हो गया, तो वो क्या हो गया, जस्टिफाइड नहीं होगा। मशीन की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और एक्सपेंसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, बट दिस मेथड इज जस्टिफाइड। क्योंकि थर्ड पॉइंट भी देखिए इसी से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट क्या है, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। प्रेशर किस पे, जो कंपनी या बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स पे बिना वजह का प्रेशर नहीं होता बाद के सालों में। बाद के सालों का मतलब देखिए, जब आपने कोई नई मशीन खरीदी तो वो बहुत बढ़िया काम करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, बट तीन चार पांच साल बाद उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस होने लगता है, उस वजह से कई बार काम भी रुक जाता है, उस वजह से उस मशीन की एफिशिएंसी, उससे होने वाले बेनिफिट कम होते हैं। तो जब मशीन की एफिशिएंसी और उससे होने वाले बेनिफिट कम हो रहे हैं तो मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन प्लस एक्सपेंसेस भी कम होने चाहिए। तो यही तो हो रहा है इस मेथड में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा कम होता जाता है,
साथ में होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और वो जस्टिफाई करते हैं कि जैसे जैसे मशीन की एफिशिएंसी कम हो रही है तो बाद के सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम हो रहा है और प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, जो कि जस्टिफाइड है और बाद के सालों में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे बिना वजह का प्रेशर नहीं पड़ता, वो जस्टिफाइड रहता है। यानी प्रॉफिट जितने दिखने चाहिए उतने ही दिखते हैं, ज्यादा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम नहीं होते। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। आप जानते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कुछ सालों के बाद यानी वर्किंग लाइफ के बाद मशीन का चाहे हम इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन बुक्स में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। एग्जाम्पल समझो, 5 लाख की मशीन है, 5 साल उसकी वर्किंग लाइफ है, यानी 5 लाख की मशीन पे हर साल हम 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं। देखिए 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, लेकिन मशीन फिर भी चल रही है, तो ये कैसा जस्टिफिकेशन हुआ अकाउंटिंग में? इस मेथड में ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल लेके चलिएगा स्टूडेंट्स, बेशक कैलकुलेट करते रहिए, मशीन की वैल्यू कभी जीरो होगी ही नहीं। यानी आप एक एग्जाम्पल ले लो, 5 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, चाहे आप 20 ईयर्स यूज करो मशीन को, 30 ईयर्स, उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, और वो होती भी नहीं है कि जब तक मशीन हमारे पास है हम उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है। तो ये मेथड इस चीज को जस्टिफाई करता है प्रॉपरली। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिकॉग्निशन है और इसको सभी कंपनीज फॉलो करती हैं, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब मेरिट तो बहुत अच्छे अच्छे हो गए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, अब चलिए डीमेरिट्स की भी बात करते हैं, यानी इसमें कुछ कमियां भी हैं। डीमेरिट का फर्स्ट पॉइंट देखिए, एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। अब जो चीज मेरिट में थी अब उसकी डीमेरिट भी हो गई, लेकिन ये कब होगा? देखिए कई बार क्या होगा, एसेट हमारे लिए यूजलेस हो गई बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो जीरो पे तो जा ही नहीं सकती। जैसे मैंने आपको बताया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप कोई भी अमाउंट ले लो स्टूडेंट्स और डेप्रिसिएशन लगाते चले जाओ, 10, 20, 25, 40, 50 साल तक डेप्रिसिएशन लगता रहेगा लेकिन मशीन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, चाहे वो 1 रुपये 50 पैसे पे आ जाए, लाइक दिस। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना कि मशीन हम यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, दैट इज नॉट गिविंग बेनिफिट, लेकिन हम उसको वैल्यू जीरो भी नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये थोड़ा सा डीमेरिट है इस मेथड की। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कोई मशीन 5 लाख की खरीदी, अगर इस 5 लाख रुपए को आप बैंक में डिपॉजिट करते तो 7, 8 या 9% के हिसाब से एफडी में जो भी रेट है आज का, 35-40,000 इंटरेस्ट मिलता आपको इस साल का। यानी 5 लाख की वैल्यू बढ़कर 5,40,000 35 हो जाती इंटरेस्ट की वजह से। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इंटरेस्ट फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया जो करना चाहिए। यानी हमें यह मानना चाहिए जो पैसा हम मशीन में लगा रहे हैं इसे अगर बैंक में एफडी कराएं तो हमारी कितनी रिटर्न होती, उस 5 लाख में उसे ऐड करो और उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, वो जस्टिफिकेशन होता है, लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, डीमेरिट का थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो इसको कौन डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स एक्ट में तो लिखा होता है मैक्सिमम कितना हो, लेकिन उससे कम कर सकते हो आप, तो रेट 10% हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, हाउ विल यू डिसाइड? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा रखा तो इसका टेक्निकल इफेक्ट समझना, डेप्रिसिएशन अमाउंट ज्यादा चार्ज होगा, प्रॉफिट कम दिखेंगे बिजनेस के। इसी तरह अगर आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम लगा दिया तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम दिखेगा, प्रॉफिट अननेसेसरीली ज्यादा दिखेंगे और वो मशीन आपको लंबे टाइम तक बुक्स में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उसकी वैल्यू कम होगी, जबकि वो मशीन हम हो सकता है यूज करना भी छोड़ दें। तो इस तरह से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
को डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है और ये इसका डीमेरिट है। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। यानी अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं 4-5-6 साल बाद मशीन खरीदने के किसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, तुरंत पता नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि हर साल मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है और आप मशीन की बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हो, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल से अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपको आसानी से पता नहीं चलेगा। यानी दिस मेथड इज नॉट इजी, दिस मेथड इज नॉट सिंपल इन दिस सेंस। तो डीमेरिट तो है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका मीनिंग जो मैंने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से विद एग्जांपल ओरिजिनल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन के साथ किया है, उसको ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए और कोई एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक हो, ट्रू फॉल्स हो, आप उसको इजीली या अच्छे से आंसर दे पाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।